हेलो विवेक, तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बट हुआ यू? मैंने आपको बताया तो ठीक है। ओके, बताया आपने। बताइए क्या काम है? आपका नंबर चाहिए था। क्यों? आपने पूछा काम क्या था, मैंने बता दिया। आपका नंबर चाहिए था। क्या आपका? अंशु यादव। अंशु यादव? हाँ। आपका नंबर चाहिए था। तो मैंने पूछा ना, नंबर किस लिए चाहिए? अब नंबर आदमी बात करने के लिए लेता है ना। पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं बात करने में। मैं स्ट्रेंजर्स से वैसे भी अवॉइड करती हूँ बात करना। जानते हो मैं क्या करती हूँ? तुम मुझे जानते हो? नहीं, मैं जानता तो नहीं। आप जानते ना, तो फिर आप ऐसी किसी से आके नहीं बात कर सकते ना। पहले जान लो, पहचान लो, तब आप। मैनर होता है हर चीज का बात करने का। नहीं, वो तो हम आपसे नहीं सीखेंगे ना। सिखाना ही नहीं है मुझे, कोई इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बोला क्या कि मुझे मैनर सीखना है? तो आपने नंबर मांगा ना, तो आपको देना था तो हाँ बोल देती, आप ना कह देती। क्या करती हो? ठीक है, यू नेवर नो अबाउट मी। क्या करती हैं आप? मैं ना रिसर्चर हूँ, छोटी मोटी चीज नहीं होती। ठीक है, मैं यहाँ की नहीं, मेडिकल में हूँ। रिसर्च कर रही हूँ, उससे हमें क्या करना है? तो मुझे भी बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना एटीट्यूड ठीक नहीं है वैसे। एटीट्यूड अच्छा लगता है, और मैं इस पोस्ट में हूँ तो मेरे अंदर एटीट्यूड रहेगा। अरे आप कुछ भी करती हो, एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो अच्छा होता है, नेगेटिव हो तो सही नहीं है। ये मेरा एटीट्यूड है, मेरा चाहे नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे। आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। जॉब मिल गई? अभी तो फिलहाल ढूंढ रहा हूँ। देखा ना, बस ढूंढते रहे। मतलब इंजीनियर आते थॉट में आ जाता है बेरोजगार। तमीज तो आप ही बहुत हो। अभी आपने बदतमीजी देखी कहाँ है, क्या होती है? अच्छा, अब मुझे ये भी चीज आपसे सीखनी पड़ेगी। विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? नो एंड नेवर। वो तमीज नहीं है किसी लड़के से कैसे बात करनी है। आप ऐसे ही किसी लड़के को कुछ भी बोलना रहता है, हर चीज का एक तरीका होता है। ठीक है, वो मैं आपसे नहीं सीखूंगा ना। सीखने की जरूरत नहीं है ना मुझे सिखाना। ठीक है, बट तुम्हें ये एडवाइस कर रही हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए, अगर किसी लड़की से बात करनी हो ना, थोड़ी तमीज से बात करो, बहुत मैच्योरली बिहेव करो। ये नहीं कि आवारों की तरह कि हाँ मुझे आपका नंबर चाहिए, आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे, ये कोई तरीका नहीं होता है। गॉट इट? मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है ना, मुझे सिखाना है। एटीट्यूड किस बात का है? आपकी तरह बेरोजगार नहीं हूँ, एटलीस्ट मैं अपनी फैमिली को चला सकती हूँ। जीडीपी में मैं बहुत बड़ा योगदान देता हूँ, जो रिसर्च करते हैं उनको मैं गाइड करता हूँ। किसी को देख करके जज ना किया करिए आप। तो ये बात आप पे भी लागू होती है किसी? ये आप पर भी लागू होती है, किसी को देख के जज। मैंने ये नहीं बोला कि आप ये नहीं करती होंगी, मैंने एक बार भी बोला। इंजीनियर तो बेरोजगार होते ही है ना। कैसे बता दिया मैं बेरोजगार हूँ? आप क्या करते हो? गोल्डिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन हूँ मैं। जो आपका एटीट्यूड है ना, इसमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। डोंट माइंड, अगर आपको पसंद हो तो हम साथ में एक चाय पी सकते हैं। पी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही तो मैं भी आपको बोल रहा था, इसमें बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन आप बार बार अपना रिसर्च चला रहे थे ना, प्रॉब्लम ये है। एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो मजा आता है, नेगेटिव हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट्स ओके, मैं भी बहुत है ना, हम तो फिर सेम ही हुए, जैसा आपका वैसा मेरा। बाय द वे विवेक, अंशु यादव, हाथ तो छोड़ेंगे आप हमारा? पर देखिए, आप कैमरा लगा है, ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपने मुझसे पूछा रिकॉर्ड करने से पहले? ऐसे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते यार। मुझे रिसर्च की आवश्यकता नहीं है, मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, आपको अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। पीएचडी होल्डर हो, रिसर्च वाला कोई भी हो, आपको मना नहीं कर सकता, लेकिन आपके अंदर दम होना चाहिए। मेरा उद्देश्य आपको हर्ट करना नहीं था, अगर आप बोलेंगे तो डिलीट कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको परमिशन देनी चाहिए।